कृषि दर्शन के संघ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ शशिकला। किसान भाइयों, आपको इंतजार रहता है आपके खास कार्यक्रम कृषि दर्शन का, और आपको जानकारियों का भी इंतजार रहता है। तो जानकारियाँ हमारे पास बहुत है, लेकिन उससे पहले चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिंचाई की सुविधा के लिए बुंडू के किसान ले सकते हैं जल निधि योजना से लाभ। गढ़वा के किसानों को अनुदान पर पंप सेट और पाइप देने की है योजना। और तिल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद कांके सफेद। अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार की ओर से बुंडू में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने, मानसून पर किसानों की निर्भरता कम करने और बहुफसलीय खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल निधि योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत 6 इंच ब्यास का डीप बोरिंग करके 1.5 हॉर्स पावर का मोटर लगाया जाएगा। इसकी योजना लागत 3,50,000 रुपये है। इसमें 75% अनुदान सरकार देगी, जबकि परकोलेशन टैंक योजना के तहत मध्यम एवं निचले खेत में तालाब का निर्माण किया जाएगा। तालाब की लंबाई 120 फीट, चौड़ाई 100 फीट और गहराई 12 फीट होगी। इसकी योजना लागत 4,70,000 रुपये है। इसमें 90% अनुदान की सुविधा है। योजना का कार्यान्वयन निबंधित संस्था, जलछाजन समिति या पानी पंचायत के अध्यक्ष, सचिव के माध्यम से कराया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए गढ़वा के किसान भूमि संरक्षण कार्यालय बुंडू में 15 मई 2017 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर दें। गढ़वा जिला के जो सीमांत किसान मनरेगा के तहत कुआं का निर्माण कराए हैं, उन्हें सिंचाई के लिए अनुदान पर पंप सेट और पाइप देने की योजना है। इसमें सीमांत किसानों को उनके कुआं के आकार के अनुसार 1.5 से 3 हॉर्स पावर तक का सिंचाई पंप सेट और 200 फीट HDPE पाइप उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए लघु एवं सीमांत किसान, स्वयं सहायता समूह और किसान क्लब अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में 15 मई 2017 तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। फलदार पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोदें तो गड्ढा भरने में खोदी गई मिट्टी का इस तरह से उपयोग करें। ऊपर की 5 सेंटीमीटर मिट्टी के साथ सड़ी हुई गोबर की खाद, नीम या करंज की खल्ली और बोन मिल मिलाकर दाईं ओर डालें। बाईं ओर 5 सेंटीमीटर से नीचे की मिट्टी डालें। जब आप फलदार पौधा लगाते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि लगाए जा रहे पौधों को उर्वरकों की विशेष आवश्यकता होती है। पौधे लगाने के लिए खोदे गए मिट्टी में 10 किलो गोबर, 1 किलो नीम या करंज की खल्ली और 1 किलो बोन मिल मिलाकर लगाए गए पौधे के गड्ढे को भर दें। तैयार की गई मिट्टी पौधे को स्वस्थ बनाती है और उनकी बढ़वार में मदद करती है। जब हम गड्ढे खोद रहे होते हैं तो ऊपरी का 5 सेंटीमीटर की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, इसलिए हम गड्ढा भरते समय वो 5 सेंटीमीटर की मिट्टी जरूर डालेंगे। इसके लिए हम पहला जो ऊपर का लेयर होता है मिट्टी का, वो हम दाहिने तरफ डालते हैं, फिर नीचे वाला लेयर बाएं तरफ डालते हैं। जब हम गड्ढा भरते हैं तो दाहिने तरफ वाली मिट्टी को मिला करके 10 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 किलोग्राम बोन मिल, 1 किलोग्राम नीम या करंज की खल्ली को मिलाते हुए हम गड्ढा भरते हैं। खरीफ तेलहनी फसल तिल की खेती के लिए बारिश शुरू होते ही जून से लेकर मध्य जुलाई तक बुआई का काम पूरा कर लें। तिल के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद कांके सफेद लगाएं। तिल के अधिक उत्पादन के लिए उसके उन्नत प्रभेद कांके सफेद लगाएं। 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लगाएं। लगाते वक्त दूरी का ख्याल अवश्य रखें। कतार से कतार 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इसकी औसत उपज 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। व्हील हो एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान भाई टांड खेत में लगे फसल में निकोनी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल में माहो, सफेद मक्खी और पत्ती खाने वाले कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाई, आपके पौधशाला में टमाटर का बिचड़ा तैयार होने की स्थिति में है तो उसे खेत में रोपने से 3-4 दिन पहले उपचार करें। इसके लिए इमिडा क्लोप्रिड 0.3% दवा से घोल बनाकर बिचड़ों की जड़ों में डालें। इसके बाद पौधारोपण करने से टमाटर फसल में माहो, सफेद मक्खी और पत्ती खाने वाले कीट नहीं लगते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस, मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस, देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस, धनबाद का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति खूंटी में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1650 रुपए से 1750 रुपए, चावल मध्यम 2200 रुपए से 2400 रुपए, चावल उत्तम 3400 रुपए से 6000 रुपए, गेहूं 1970 रुपए से 2250 रुपए, दाल अरहर 7800 रुपए से 8000 रुपए, दाल मसूर 5800 रुपए से 6000 रुपए, दाल चना 6400 रुपए से 6600 रुपए, सरसों तेल 9250 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3800 रुपए, आलू 600 रुपए से 800 रुपए और प्याज 1200 रुपए से 1400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने जाना खेती बाड़ी से संबंधित बहुत सारी नई नई जानकारियां और साथ ही जाना मौसम के मिजाज के बारे में और साथ ही मंडी का भाव क्या रहेगा इसके बारे में भी आपने जानकारी ले ली है। तो किसान भाइयों, जानकारियों की ओर तो हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो किसान भाइयों, आपको इंतजार हो रहा है जानकारियों का, तो लीजिए हम जानकारी लेकर आ चुके हैं। किसान भाइयों, आज हमारी पहली जानकारी है ICT वॉइस मैसेज द्वारा खेती की जानकारी। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप नई नई खेती करना चाहते हैं और आपके पास उसकी जानकारी नहीं है तो आप वॉइस मैसेज द्वारा खेती की जानकारी ले सकते हैं। किसान कॉल सेंटर 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध होता है। आइए जानते हैं इसी विषय में। आज हम लोग बिरसा कृषि विद्यालय के प्रांगण में हैं, जहाँ के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर BK झा, जो ETIC प्रबंधक हैं। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि ICT वॉइस मैसेज होता क्या है, इसी विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए हाजिर हुए हैं डॉक्टर BK झा। सबसे पहले हमारे किसान भाई को बताएं कि ICT होता क्या है। जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। ICT एक ऐसा माध्यम है जिससे कृषि सूचनाओं का संप्रेषण हमारे किसान भाइयों के बीच होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो तकनीकें हैं, जो विधियां हैं, उनका प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसमें आप जानते होंगे कि इंटरनेट बहुत बड़ा माध्यम है, मोबाइल एक बहुत बड़ा माध्यम है। इन दो माध्यमों से हम तरह तरह प्रकार की सूचनाएँ आपको संप्रेषित करते हैं। वो अक्षर में हो सकता है, वो ध्वनि में हो सकता है, वो चित्र में हो सकता है, वो वीडियो में हो सकता है, वो एक तरफा भी हो सकता है और दो तरफा भी हो सकता है। तो ये जो कहते हैं कि जो सूचना संप्रेषण के आयाम है, इस सभी विधाओं को जिसको मल्टीमीडिया कहते हैं, इसका एक्सचेंज जो है दोनों तरफ से, वैज्ञानिक किसान से जुड़ करके और किसान वैज्ञानिक से जुड़ के अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो कौन से किसान इससे जुड़ सकते हैं और किस माध्यम से जुड़ेंगे? ध्वनि माध्यम एक ऐसा माध्यम है कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जहां दूरे दूरे खेत खलिहाने हरा खेती लहराला, चले हर भैया रे पीछे से गुरी यारे लागे सुहान दैया रे।
जो किसान भाई लिख पढ़ भी नहीं सकते हैं वो भी आवाज़ को समझते हैं, बातों को समझते हैं, तो इसलिए ये जो अनुसंधान से ये उभर के सामने आया कि हम किसानों के बीच यदि ध्वनि माध्यम से सूचनाओं का संप्रेषण करें तो ये काफ़ी प्रभावी हो सकता है। और ये IKSL में जो के द्वारा 5 वॉइस SMS, जिसको SMS ही है, ये जो वॉइस SMS कहते हैं कि जो आपको टेक्स्ट न लिखा हुआ न जा करके वो बातें आपको ध्वनि के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से बताई जाएगी। सिम जो ग्रीन सिम बोले, ये मिलता कहाँ है और क्या इसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं या मुफ्त में उनको उपलब्ध हो जाएगा? जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। समिति जो है इन चीज़ों का प्रचार प्रसार आत्मा और BTM के माध्यम से कर रही है, तो आप उनसे संपर्क करके इसे प्राप्त कर सकते हैं और ये काफ़ी नॉमिनल कॉस्ट पे किसानों को मिलता है, तो इसका दो तरफा प्रयोग भी। एक चूँकि सिम है तो सिम से आप जो सिम का काम है कि आप बात वगैरह भी कर सकते हैं अपने सगे संबंधियों दोस्तों से, और उसके अलावा इस सिम से आपको वॉइस SMS भी आएगा जो कि फ्री में आता है। आप बता रहे थे टेक्स्ट मैसेज भी इसके तहत आता है जिसमें कि लिखित आता है, वैसे जो है जो सुन नहीं पाते हैं, बहुत सारे किसान भाई हैं जो सुन नहीं पाते हैं, तो वो टेक्स्ट मैसेज के ही तहत वो पढ़ सकते हैं। हम जो सूचना संप्रेषित करना चाहते हैं किसानों को वो संप्रेषित कर रहे हैं, लेकिन किसानों को जो आवश्यकता है वो सूचना ध्वनि के माध्यम से किस प्रकार प्राप्त करें, तो इसके लिए सबसे अच्छा साधन है आपका कॉल सेंटर का। तो कॉल सेंटर, आपके भारत सरकार के कॉल सेंटर भी चल रहे हैं, हम आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई बहनें इस नंबर का ख्याल रखें। मैं पुनः ये इसको दोहरा देता हूँ, 1800-1850-51। तो ये जो कॉल सेंटर है इसमें हमारे किसान भाई सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक किसी समय यदि कॉल करते हैं तो कॉल सेंटर में जो उपलब्ध हमारे कार्यकर्ता करता रहते हैं वो किसानों की जिज्ञासा का निराकरण करते हैं। अच्छा, यदि उनसे संभव नहीं हो पाया किसी कारण से तो उस कॉल को वो फॉरवर्ड कर देते हैं वैज्ञानिकों के पास, जो कि फिर SMS के रूप में या फिर साउंड के रूप में आ जाता है। एक बात मैं यहाँ अपने आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से किसान भाई बहनों को बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की सुविधा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी आरंभ की गई है, और चूंकि जो हमारा अनुभव रहा है कि किसानों के जो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वही प्रश्न किसान बार बार पूछते हैं, तो उसको हमने मशीन में ही डाल दिया है। इसको हमने IVR का नाम दिया, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम का, जो बार बार हमारे कार्यकर्ता फ़ोन उठाएं तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मशीन ही वो किसान प्रश्न पूछे फला फसल के में कौन बीमारी लग का क्या दवा होगा, तो ये प्रश्न मशीन ही उत्तर कर देते हैं। तो लगभग 500 प्रश्नों का इस प्रकार के संग्रह हमारे IVR में है, जिसमें किसान से बात करने की ज़रूरत नहीं है आपको, न किसी व्यक्ति से बात करने की ज़रूरत है, वो मशीन ही आपको इंटरेक्टिव मोड में जिसकी जानकारी आपको चाहिए उस पर वो बता देगा मशीन। उसके अलावा जो किसान कॉल सेंटर के फीचर हैं कि वैज्ञानिकों के पास कॉल फॉरवर्ड होता है, तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो IVR में जो हमारे प्रश्नों का संग्रह है वो पर्याप्त हम सारे किसानों को ध्यान में रख के नहीं हो सकता है, तो हमारे किसान भाई निश्चित रूप से अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों से वार्ता करना चाहेंगे। तो इस प्रकार की सुविधा भी हमने इस IVR में दी है कि जो किसान जिस विषय के वैज्ञानिकों से वार्ता करना चाहते हैं उनको गाइड किया जाएगा मशीन के द्वारा। मान लीजिए सपोज खेती के लिए एक दबाएंगे तो खेती के वैज्ञानिक, फसल के लिए फिर उसमें रोग के लिए, कीट के लिए, उसी प्रकार पशुपालन में, तो केवल आप 1, 2, 3 का बटन दबाएंगे और रिंग जो होगा किसान को डायरेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भारत सरकार का कॉल सेंटर के हिसाब से वो फॉरवर्ड करेगा, ये कॉल फॉरवर्डिंग मशीन के द्वारा ही हो जाता है। यदि किसी कारणवश, चूँकि हम लोगों ने इसको 24/7 का नाम दिया है, यदि किसी कारण से हमारे वैज्ञानिक फ़ोन नहीं उठाते हैं या छुट्टी पे हैं या ट्रेन बस में यात्रा कर रहे हैं, किसान को भाई को पता नहीं है, तो वैसी स्थिति में वो अपना प्रश्न भी जो वॉइस SMS बोले, वॉइस मेल हम लोग कहते हैं, कि अपना प्रश्न ध्वनि के माध्यम से ही रिकॉर्ड करा दें और वो हमारे सर्वर में पहुंचता है और ये ईमेल के माध्यम से, वॉइस मेल के माध्यम से हमारे वैज्ञानिकों को जाता है। 2-3 वैज्ञानिक एक नोड के लिए जुड़े हुए हैं, जब उनको फुर्सत होती है तो उन प्रश्नों का किसान का नंबर जाता है उनके पास, उस नंबर पर हमारा एक सॉफ्टवेयर है उससे कॉल करके उनके प्रश्नों का निराकरण कर देंगे, उस समय भी पुनः बात कर सकते हैं हमारे किसान भाई बहन। इस प्रकार के जो नवोन्मेषी कार्य हैं हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ध्वनि माध्यम को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, आशा है कि हमारे किसान भाई इससे लाभान्वित होंगे। मैं अभी इसको तो टोल फ्री कराने की हमारी योजना है, लेकिन संप्रति इसका नंबर है 0651-22221201,
0651-221-2001। किसान भाई, आपसे आग्रह है कि इस नंबर पर कॉल करें, आपकी जो जिज्ञासाएँ हैं हम आशा करते हैं कि हम आपकी सेवा में अपने सुविधा के माध्यम से आपकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, हमारे किसान भाई को अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपने जानकारी ले ली है कि वॉइस मैसेज द्वारा आप खेती की जानकारी कैसे लेंगे। तो किसान भाइयों, अब दूसरी जानकारियों की ओर भी रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, गर्मी का मौसम है और ऐसे में पानी की कमी भी हो जाती है, और पानी की कमी होने के कारण अधिकतर फसल खराब हो जाते हैं और उनमें कीट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, अगर हमारे फसल में कीट लग जाती है तो उसकी हम देखभाल कैसे करेंगे, इसकी जानकारी होनी हमें बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में आप सब्जी फसलों का देखभाल कैसे करेंगे, कीट प्रबंधन कैसे करेंगे, इसकी जानकारी लेने के लिए चलिए सीधे चलते हैं हमारे विशेषज्ञ के पास। हम अपने कार्यक्रम में कई बातों की जानकारी आपको देते हैं और आज इसी क्रम में हम आपको जानकारी देंगे कि गर्मा सब्जियों में जो समेकित कीट प्रबंधन है वो किस तरह से करें। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर PK सिंह। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी जो गर्मी के समय में जो सब्जियां लगा रहे हैं उसमें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए कि आगे जाके कीट का प्रकोप जो है वो कम से कम हो। जी हाँ, खास करके देखिए, अभी समय में झारखंड राज्य में हमारे यहाँ गर्मा की सब्जियों में खासकर लतेदार सब्जियाँ लगती है, जिसमें कद्दू हुआ, खीरा हुआ, ककड़ी हुई, बहुत सारी चीज़ें होंगी और भिंडी लगती है। और वैसे तो यहाँ पर बहुत सारा जो सब्जियाँ हैं जो सालों भर लगती है, तो मुख्यतः अभी भिंडी है और लत्तेदार वर्ग की सब्जियाँ हैं ये लगती है। और किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि खास करके जब भी कोई सब्जियाँ लगाते हैं गर्मादार, तो आप एक सही जगह से, उचित स्थान से बीज का खरीदा करें, मतलब एक प्रमाणिक जगह से, ताकि उसकी प्रमाणिकता बनी रहे और जो तो वो करें। और उसके बाद जो भी किसान भाई जब अपने खेतों में आप बीज लगाने के लिए जाते हैं, खासकर अगर भिंडी लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा और प्रयास कर लें, बीज उपचार कर लें। बीज उपचार करने के बाद जैसे आपने गर्मी में खास करके अगर भिंडी लगा रहे हैं, तो जिस खेत में भिंडी लगा रहे हैं उसके चारों तरफ आप दो लाइन मकई या सोरघम ज्वार जिसको है उसको लगा दें, चारों बगल एक बॉर्डर। तो इससे लगा देने से ये होता है कि बहुत सारे जो कीड़े जो उड़ के आते हैं उसको ये रोकने का काम करता है, बैरियर का काम करता है। दूसरा तो उपचार कर दीजिए। और आगे चल के जब भी किसान भाई खास करके गर्मा लतेदार सब्जियाँ लगाते हैं या भिंडी लगाते हैं, तो नीम की खल्ली का जरूर प्रयोग करें। इसको करने के लिए है कि 250 kg प्रति हेक्टेयर की मात्रा की जरूरत पड़ती है। तो किसान भाई को मैं कहना चाहूँगा उसको स्प्लिट दो में करें, दो बार बांट दें। 125 kg आप शुरू में जब पौधा लगाते हैं तो उस समय लगाएं, और 125 kg जो बचता है उसको जो है जड़ में जब फूल निकलना शुरू करता है तो उस समय दें। तो अगर ऐसा कर देते हैं तो हम बहुत सारे जो सब्जियों में खास करके भूमि में रहने वाले कीट हैं उनसे बहुत नियंत्रण हो जाता है। और दूसरा नियंत्रण ये होता है कि जब हम नीम की खल्लियाँ डालते हैं तो पौधों को कुछ अतिरिक्त मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मिल जाता है। तो ये ध्यान लगाते समय करें, बीज उपचार करें और नीम की खल्ली डालें और उसका एक बैरियर क्रॉप लगाएं, जिसे मैंने कहा सोरगम, तो इससे काफ़ी लाभ हो जाएगा। लेकिन जो ज़मीन में ही पहले से कीड़े हैं उनको क्या नीम की खल्ली ही पर्याप्त है समाप्त करने के लिए, या कोई और भी विधि है कि हम मिट्टी का भी उपचार कर लें? देखिए, खास करके जब हम पौधों को लगाते हैं, अगर भूमि को उपचार करते हैं, नीम की खली डालते हैं, तो भूमि में रहने वाले बहुत सारे कीड़े स्वतः नियंत्रण हो जाते हैं। और जहाँ तक खास करके लत्तेदार सब्जियों की बात है, जैसे आपने बीज डाला किसान भाई, और किसी जैसे बीज डालते हैं उसके बाद जैसे पौधा निकलता है, जब वो 2-3 पत्तियों की अवस्था में रहता है, तो आप देखेंगे एक लाल रंग का कीड़ा होता है, लाल भृंग कीड़ा होता है, आ करके वो खा जाता है। अगर शुरू की अवस्था में अगर वो सारे पत्तियों को खा गया तो पौधे मर जाते हैं। और जैसे पौधा बड़ा हो जाता है तो अगर वो थोड़ा सा एक दो पत्ता खा भी जाता है तो पौधा भी ताकत लगा करके उस पत्ते को, मतलब जो जो नुकसान होता है उसको मेकअप कर देता है। अगर हम नीम की खल्ली से शुरू में ही डाल दें और खरपतवार को निकाल दें, तो इस तरह के जो कीड़े होते हैं भूमि में रहने वाले कीड़े,
और जो शुरू की अवस्था में जो कीट आते हैं तो उससे हमारा बचाव हो जाता है। तो ये रही, और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हमारे यहाँ पहुँचती है सब्जियों में, खास करके लत्तेदार सब्जियों में, ये होता है फल मक्खी कीड़ा का प्रकोप। और फल मक्खी कीड़ा का प्रकोप होने से क्या होगा कि उसमें फल जो होते हैं उसमें एक अंडा दे देती है वो फल मक्खी कीड़ा है। तो जैसे किसान भाई देखते होंगे गोंद का आकार का वहाँ पर लगा हुआ दिखता है, जब पत्तियाँ जब शुरू की अवस्था में जब फलों का जो त्वचा नरम होती है तो उसी समय वो अंडा देती है, और अंडा देने से जो पिल्लू निकलता है पिल्लू उसके गुदाओं को खाता है और उससे फल कभी कभी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है, अगर कभी किसी कारण से हुआ भी तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है जिससे उसका बाजार भाव नहीं मिलता है। तो इस कीट का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, और हमें यहाँ सावधानी ये रखनी है कि सब्जियों को हम खाते हैं अगर कीड़ा हम देखें कोई रासायनिक दवा डाल दिए तो उससे बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं किसान भाई अगर करते हैं, जैसे खास करके लत्तेदार सब्जियों में लगने वाले फल बेधक कीट फल मक्खी के नियंत्रण के लिए किसान भाई एक बहुत अच्छा तरीका ले लें, अगर एक किलो कोहड़ा ले लें, बाजार में मिलता है कोहड़ा, उसको बढ़िया से पीस लें और उसमें 100 ग्राम गुड़ जी जो गीला वाला गुड़ होता है अगर उसको डाल दें और उसमें 10 मिलीलीटर मेलाथियन नाम की दवा मिला लें, तीनों चारों उसको तीनों को मिला करके खेतों में अगर एक एकड़ में लगाए हैं तो 5-6 जगह उसको आप जहाँ तहाँ रख दीजिए, क्योंकि जब उससे महक निकलता है तो फल मक्खी पहले उसी पर आती है, वहीं आकर के अंडा दे देती है और अंडा देने के बाद खास करके उससे पिल्लू निकलता है तो मर जाता है। और दूसरी बात है कि गर्मियों में मक्खियों को प्यास लगता है तो वो पानी पीने के लिए भी जाती है, तो वहाँ जो उसमें रहता है बैठती है तो उसे पी के मर जाती है। इससे क्या होगा कि इसे मक्खी का ही मेरा नियंत्रण हो जाएगा, जो बेस्क कीट होते हैं फल मक्खी के वो नियंत्रित हो जाएंगे तो वो आगे चल के अंडा ही नहीं देंगे, अंडा नहीं देंगे तो फिर कीड़ा नहीं निकलेगा, पिल्लू नहीं निकलेगा तो फिर कीड़ा भी नहीं निकलेगा। ये बहुत ही सरल तरीका है और बहुत कम लागत में एक अच्छा काम करता है, और किसान भाई से मैं ये कहना चाहूँगा इसको जरूर अपनाएं, इससे फल मक्खी के जितने हैं उससे उसका नियंत्रण हो जाएगा। क्या इसके अलावा कोई ट्रैप वगैरह भी है कि जो हवा में उड़ रहे हैं कीट पतंगे या मक्खियाँ उनको नियंत्रित किया जा सके? देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, खास करके किसान भाई को इसको जानकारी होना जरूरी है। जब आप अगर भिंडी लगाते हैं तो उसमें एक सफ़ेद मक्खी आती है, तो और सफ़ेद मक्खी जो आती है वो पत्तियों से रसे चूसती है और रसे चूसने के अलावा दूसरे पौधे पर चली जाती है। अगर एक बीमार पौधे से रस चूस ली और दूसरे स्वस्थ पौधे पर चली गई तो उससे उसे काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, ये नुकसान से ज़्यादा बीमारियां फैलाती है। तो इनके नियंत्रण के लिए एक होता है पीला चिपचिपा ट्रैप, एक पीले रंग का बाजार में आजकल उपलब्ध है 30-40 रुपये में, जैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, एक एकड़ में 5 भी लगा दें तो बहुत किसान भाई काम करेगा, वो 5-6 भी लगा सकते हैं। तो उसको लगा देने से होता है कि उसमें बहुत सारे कीड़े जो होते हैं खास करके रस चूसने वाले कीड़े उसके बेस पीले रंग की तरफ आकर्षित होती हैं और आकर चपक करके उसमें वो मर जाती हैं, तो उसके मर जाने से ये होगा कि आगे चल के वो ये करेंगे। दूसरा बात ये है कि बहुत सारे फेरोमोन ट्रैप्स भी हैं, खास करके भिंडी के जो फल छेदने वाला कीड़ा है उसके लिए भी, तो उसको भी लगाएं खास करके, और अगर उसको लगाते हैं तो इससे ये होता है कि आप किसान भाई देख लेंगे कि हमारे खेत में कीड़ा आ रहा है, और कीड़ा आ रहा है अगर 5-6 कीड़ा आ रहा है प्रति रात, इसका मतलब आप सजग हो जाएं कि इसकी प्रकोप बढ़ने वाला है। खास करके अंत में अगर हम लोग नीम से निर्मित दवा, खास करके नीम बीज कर्नल एक्सट्रैक्ट का 4% 5% का भी अगर हम लोग छिड़काव कर देते हैं तो इससे भी होता है कि भिंडियों हो या लत्तेदार सब्जियां हो या अन्य सब्जियां हो उसमें भी कीट का प्रकोप बहुत कम होता है। आपने काफ़ी अच्छे ढंग से हमारे किसान भाइयों को कीट से संबंधित बताया कि किस तरह से उसका प्रबंधन करें, और खासकर फसल चक्र के प्रयोग के बारे में आपने बताया। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों से इतनी अच्छी बातें करी, इनको जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ किसान भाइयों को भी धन्यवाद, जोहर। किसान भाइयों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, विदा लेने का तो मन नहीं करता है, आपसे सिर्फ बातें करने का मन करता है किसान भाइयों, लेकिन क्या करें वक्त की कमी है। अगले अंक में हम फिर नई नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ इजाज़त लेना चाहेंगे किसान भाइयों, लेकिन इजाज़त लेने से पहले हम आपको अपना पता भी बता देना चाहते हैं। अब पता लिखने के लिए आपको कागज़ कलम की आवश्यकता पड़ेगी, फटाफट कागज़ कलम उठाइए और हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा ये कार्यक्रम देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।